देखिए, मैं आपने कल जो हुआ कोर्ट में वो मुझसे ज़्यादा बेटर आपने देखा एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से। कुलभूषण यादव एक टेररिस्ट पकड़ा गया था, उसको उसके घर वालों से मिलने की परमिशन दी गई। मेरी बेटी जो है वो कोई टेररिस्ट नहीं थी, जिस तरीके से कल उसे पुलिस पुलिस गर्दी के अंदर लेकर आई, बाकायदा उसके आगे एक वाल बना के खड़ी कर दी गई। मैंने बच्ची के सर पे प्यार करने की कोशिश की और मुझे धक्के मारे गए, उधर मेरा हाथ झटके गए। उसके बाद मेरी वाइफ को जिस तरीके से उन्होंने पीछे किया, ये एक जुल्म हुआ था कल हमारे साथ कोर्ट के अंदर। इसकी मेरा ख्याल है जितनी इसकी पुलिस की इस चीज़ को एनलाइट करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से उन्होंने कल हमारे साथ ज्यादती की वो सबके सामने थी। अब केस के ऊपर मैं बात करता हूँ, केस इंशाल्लाह ताला हम केस के ग्राउंड के ऊपर अपनी पूरी फाइट कर रहे हैं। एक्चुअली अब जो केस है वो तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास है, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट में बच्ची की प्रोडक्शन थी वो हो गई। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो जो थे वो इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरे इन्वॉल्वमेंट में लेकर जा रहे थे, लेकिन कल ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल ज़ेरे गौर नहीं लाया। अब चूंकि इस केस के डायमेंशन उन्होंने चेंज कर दी है, तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास अब हम बाकी अपने केस को फाइट करेंगे, इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, दुनिया का कानून जो है माँ बाप को अपनी बेटी से क्या बेटे से भी जो है मिलने से नहीं रोक सकते। कल कितना आपको एक दुख हुआ पुलिस के रवैये पे कि माँ बाप से भी नहीं बच्ची को मिलने दिया, क्योंकि आगे क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी बच्ची जो है वो अगर आपसे मिले तो आपको लगता है कि आपकी बच्ची वापस जो है आपके साथ आ गई। देखिए, यकीनन वो बच्ची घबराई हुई थी, जिस तरह से फील हो रहा था। ये मेरा राइट बनता था हमारा कि पहले बच्ची जो शेल्टर हाउस में जाती, 2-4 दिन उसको रिलैक्स किया जाता, माँ बाप से उसकी मुलाकात करवाई जाती और उसके बाद बच्ची को कोर्ट के अंदर पेश किया जाता। इतनी पुलिस को किस चीज़ की जल्दी थी कि जब एक कोर्ट में डेट 10 तारीख की थी, तो उन्होंने जो है वो कल इमरजेंसी के अंदर, और मैं तो अल्लाह भला करे आपका सीधा सीधा बोलूँगा कि आप मुझे ना बताते तो मुझे तो पता ही नहीं चलना था कि बच्ची को आज कोर्ट में लेकर आ रहे हैं, तो आपने मुझे बता दिया। हम उसके बाद फौरन कोर्ट में पहुँचे, अदरवाइज तो पुलिस ने हमें यह भी नहीं बताया था कि आप बच्ची को आज प्रोड्यूस सर, कर रहे बच्ची हैं। ने उम्र आपने बताई कि 16-17 साल है, तो आपके पास आपसे बड़ा कोई शवाहद या सबूत हो नहीं सकता जो आप जानते हैं, जो शायद बच्ची भी ना जानती हो। तो सर, अगर उम्र के तयन के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट गलत आती है तो उसको किसी फोरम पे चैलेंज करेंगे, क्योंकि निर्भया बिल्कुल वाले केस में इस तरह हो अपनी चुका शादी का भी रिपोर्ट। सर, मेरी मेरी पे शादी 16 साल 11 महीने हुए थे जब, ये निकाह वाली डेट का की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तारीख को बच्ची का निकाह नामा शो किया गया, मेरी शादी को 16 साल 11 महीने थे। अभी 17 साल 1 महीना है, तो 17 साल तो मेरी शादी को हुए हैं, बच्ची 17-18 तो हो ही नहीं सकती। मेरे पास बच्ची के तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन मेरे पास उस हॉस्पिटल की स्लिप्स भी पड़ी हैं। वो जो हॉस्पिटल जब बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट देता है, मेरे पास वो भी है। नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, नादरा का पे फॉर्म है, बर्थ सर्टिफिकेट है, बच्ची का पासपोर्ट है, मेरा नादरा का निकाह नामा है, और मेरा वो जो जो निकाह पढ़ा जाता है जब मौलवी जो एक पेपर देता है, मेरे पास वो भी उस डेट का पड़ा हुआ है वो। तो इससे ज़्यादा मैं क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करूँ, मेरी मेरी समझ से बाहर है। और पुलिस क्या जिस तरह से ये रवैया रहा है या जिस तरह से ये केस सामने है, इसमें जिस तरह से इसको ख़राब किया गया, तो मुझे डेफिनेटली डर है कि इसके अंदर भी कहीं ऐसी गड़बड़ ना की जाए। अच्छा, उम्मीद आपको है कि बच्ची आपकी वापस आए, कि एक बच्ची को अगर मिलने दिया जाए तो? बिल्कुल, देखें बच्ची क्यों नहीं वापस आएगी, क्योंकि ये तो जो बच्ची के ज़रिए से उन्होंने स्टोरीज चलवाई हैं कि माँ बाप बच्ची पर जुल्म करते थे, मैं ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसी बात होती मैं क्यों इतनी बड़ी फाइट करता, आप खुद बताएं, अगर मैं बच्ची पर जुल्म कर रहा होता और बच्ची जाकर शादी कर लेती, मैं कहता यार ठीक है कर ली, ठीक है अल्लाह खुश रखे उसको, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं। ये बच्ची मेरी 100% अगवा की गई है, और अब उन उस माफिया के जो हैं वो पंजे इतने ज़्यादा हैं कि वो पंजे कल आपको कोर्ट में भी दिखे। सर, बच्ची ऐसा लग रहा है जैसे हमने तो कल पहली दफ़ा करीब से देखा, बिल्कुल मैच्योर ही नहीं है, एक छोटा दूध पीता बच्चा 12-14 साल वाला अपनी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता। तो सिंध हुकूमत ने बार बार कहा था, तो आप ये नहीं कि जो एडवोकेट जनरल ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ये पंजाब में जुर्म हुआ है, पंजाब का केस है, यहाँ केस था पेश करने का, हमने पेश कर दिया, तो ये कोई इंसाफ वाला आप देख रहे हैं कि तवक्को है अब मज़ीद इंसाफ होगा अदालत में? सर, कल तो बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ, जितनी ज़्यादती की जा सकती थी वो की गई, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं अभी घबराने वाला नहीं हूँ, हम पूरी फाइट इस केस को लेके करेंगे। ठीक है।
ठीक है।